अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं निहारी। तो पहले उसके मसाले तैयार कर लेते हैं। चार पांच तेज पत्ते, 2 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून काली मिर्च, 1.5 टीस्पून जीरा, 2 स्टार फूल, 1 टीस्पून लौंग, 3 बड़ी इलायची, 2 पीपल, थोड़ी सी जावित्री, 3-4 टुकड़े दालचीनी, थोड़ी सी सौंठ और 1 जायफल, थोड़ी सी जायफल। ये मसाला हमने ग्राइंड कर लिया है, जो कि कुछ इस तरह है। इसमें कुछ सूखे पिसे मसाले ऐड करना है, जैसे कि 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया। तो चलिए अब निहारी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुकर लेंगे, अब इसमें ऑयल डालेंगे। निहारी में हमेशा ऑयल बहुत ज़्यादा डलता है रोगन के लिए, तो हम इसमें 5 से 6 टेबलस्पून डालेंगे ऑयल। तेल अब गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा, 1-2 मिनट भूनेंगे हम, ताकि इसकी थोड़ी सी कलर चेंज हो जाए। कलर चेंज होने तक इसको थोड़ा भूनेंगे। अब इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टेबलस्पून। देखिए 2 मिनट हो गया मुझे इसे भूनते हुए। अब मैं इसमें सारे मसाले ऐड करूँगी। और 2 से 3 मिनट हम इसको ऐसे ही भून लेंगे ऑयल में। देखिए 2-3 मिनट हो गया मुझे इसे भूनते हुए भी। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। अब हम इसमें इतना पानी ऐड करेंगे जिससे ये अच्छे से गल के तैयार हो जाए।
अब कुकर बंद कर देंगे और 3 सीटी आने के बाद इसे 20 मिनट धीमी आंच पे पकाएंगे। तो 20 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए, देखते हैं क्या पोजीशन है। देखिए सारा रोगन ऊपर आ गया है और बोटी भी अच्छे से गल गई है। तो अब इसका रोगन निकाल लेते हैं। क्योंकि अगर रोगन नहीं निकालेंगे तो आटा डालने के बाद ये इसकी शक्ल ही अजीब हो जाएगी, इसलिए इसका रोगन पहले हम अलग कर लेते हैं। देखिए रोगन अलग कर लिया है, अब हम इस गैस का फ्लेम ऑन कर देते हैं। जब तक इसमें उबाल आ रही है तब तक आटा घोल लेते हैं। ये 3 टेबलस्पून है, इसको पतला घोल तैयार करना है। इसमें उबाल आ गई है, धीरे धीरे घोल डालेंगे और इसको चलाते रहेंगे। जितना गाढ़ा आपको चाहिए उतना घोल मिलाइए। कुछ लोग पतला पसंद करते हैं, कुछ लोग गाढ़ा पसंद करते हैं। देखिए आटा जलते ही सारा रोगन गायब हो गया। ये हमारे लिए परफेक्ट है, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। अब इसे हम ढक के, बस यूं ही ढक के 10 मिनट पकाएंगे। तो देखिए ये हमारी निहारी तैयार है, काफ़ी अच्छा गाढ़ा शुगर हो गया इसका। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और थोड़े से लेमन स्लाइस, ग्रीन चिली और जिंजर जुलियन से इसको गार्निश करेंगे। और अब हम इसमें रोगन ऐड करेंगे। देखिए कितना प्यारा सा कलर निकल के आया है। अब इसको मैं सर्विंग बाउल में शिफ्ट करती हूँ। तो ये हमारी निहारी बनके तैयार है, इसे ऊपर से थोड़ा सा हम गार्निश कर देंगे। आप भी इसे ट्राई कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।